तो बोला जाता है कि उसका स्पिरिट्स अभी भी यहाँ है। यहाँ जब मैं पहुँची तो एक आंटी को दिखाई दिया, अकेली है तो मैं यहीं रुक रही हूँ उसके साथ। सेफ्टी का वो है, वो अभी अकेली है ना। Let me take you for a ride, dancing with the lights. Our hearts beating like a drum tonight. Good morning from Somorere. और आज सोमोरेरी से हम जाएंगे सरसों। जल्दी से हम फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। और आप अगर मेरा पहले का एपिसोड्स नहीं देख रहे हैं, आप राइडर अपराजिता यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ रात के 7 बजे से 10-11 बजे तक, मतलब 4 घंटा ही सिर्फ करंट आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था, लेह पे दिखाया था ये वाला सोलर गीजर। यहाँ से हम ठंड पानी निकाल डालते हैं तो यहाँ से गर्म पानी निकलते हैं। बहुत ऊंचाई पे हूँ हम। रिटर्न जाने तो दादा ही चलाए हिसले। তো একো একো ডাঙৰ কথা নহয়, মানে এখিনি বহুত সেন আছিলে, পুৰা সেন্ডে দি আছিল। ইফালে অলপ খলাব আছিল, এফালে অফৰ আছিল, মানে অফৰ দি লৈ যাওঁ কি প্ৰকাৰ আছে। অফৰ দি আহি ফেলে ওভাৰ কনফিডেন্স, ওভাৰ কনফিডেন্স পৰি গ'লো ইয়াতে, বহুত সেন আছিল ন। তো हमेशा मैं ही चलाती हूँ बाइक, तो भैया को भी मन करता है ना चलाने का, तो बोला कि आज मैं चलाती हूँ, तुम रेस्ट करो पीछे। तो मतलब रिटर्न जर्नी है, ऊपर से आना था, नीचे था रेट, तो रेट बहुत ज़्यादा था। अगर लादा खा के अगर गिरता ही नहीं है तो क्या ही आना है ना, थोड़ा सा गिरना चाहिए। अभी मैं कल्कि को ले रही हूँ। यू आर डूइंग गुड जॉब मैम। थैंक यू। फिर से हम खराब रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो होगा माही, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो होगा पोका वैली से। तो हम पोका वैली होके यहाँ से लेह मनाली हाईवे तक जाएंगे। मिट्टी में व्हाइट व्हाइट कलर का, देखने में तो बर्फ जैसा है पर बर्फ है नहीं। यहाँ आने के बाद जो एक स्मेल आ रहा है, सॉल्ट एनालिसिस का जो स्मेल आते है ना, वैसे ही स्मेल मुझे आया था, व्हाइट व्हाइट कलर का, पूरा सॉल्ट ही है ये सब। देखने में कैसा है देखिए। ये नीचे आ गया है। आगे जाने के बाद मिलेगा हॉट स्प्रिंग का जो है गर्म पानी, चलाने में भी मजा आ रहा है यहाँ। मैं बस थ्रॉटल डाल रही हूँ, आगे जाना है बस, नहीं गिरना है। मशरूम टेक्सचर का ये लैंड, बीच बीच में है पानी, और हम यहाँ से होके जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग तक, और हम हैं अभी पोका वैली पे। एक मिनट सर, मेरा मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। चिन्मयदा का सक्सेसफुल रहा पर पेंट पूरा बर्बाद हो गया है। ऐसा एकदम खोड़ा का खोटे सु अभी आके हॉट स्प्रिंग। रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ से आना पड़ा हमें। अब हम पोलोगंग का लापास पहुँच गए हैं, और अल्टीट्यूड लगभग है 15,900 फीट। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप
आपको यहाँ हालने या सुमुरी साइड आना है ना, तो आप प्लीज़ अपने साथ कैश करी करके आना, क्योंकि कैश लाना बहुत ज़रूरी है। लगभग 3 दिन से हम जहाँ भी गए हैं ना, कहीं पे नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। ये है लेह मनाली हाईवे। जब लेह से आ रहे थे उपसी में हमने लेफ्ट टर्न लिया था, माहे से हम सुमुरी गए, अभी हम डेबरिंग में हैं और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो मतलब सीधा जाएंगे तो हमको मिलेगा सरचो मनाली, और इधर राइट जाएंगे तो मिलेगा लेह। ये टॉयलेट है या टॉयलेट है? अभी हम सरसों तक जा रहे हैं, सरसों यहाँ से 114 अप्रोक्स इतना किलोमीटर्स दूर है। ओके, हम रूड से ऑफ रूट आ गए हैं। ऑफ रूट है पर इतना सुंदर नज़ारा है, मैं कैसे बताऊँ आपको। रास्ता ख़राब और आगे सामने पहाड़ का खूबसूरती। दूर से जो ग्लेशियर देख रहे थे ना, तो ये हम पास आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रही हूँ मैं, दिखाई नहीं रहता है ना आगे, क्योंकि त्रागाने से मुझे बीच में अगर रुक जाऊँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। पीछे से भी पीछे लेना बहुत मुश्किल है, ये बाइक भारी भी है, लगेज भी है। तो देखिए रास्ता कैसा है। हवा भी मुझे जाने नहीं दे रहा है। अरे नहीं, नाले से नहीं, आई कुडंट डिनाई हियर मोमेंट ऑफ लिविंग। हेलो एवरीवन, अभी मैं पहुंच गई हूँ पंग। पंग सरसों से पहले मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने के बाद अभी यहाँ पहुंच गए हैं। अभी फिर से निकलना है, बहुत ठंड है, हालत ख़राब हो गया है और ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा भी आ रहा है। और ऑफ रोडिंग की वजह से साइड का सीनरी देखने में थोड़ा सा, आप लोगों को दिखाने में भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहे हैं, तो जितना हो सके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मेरा गोगरों में पूरा धूल छा गया था। आगे जाना है सरचो, वहां जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि सरचो पे रहना है या आगे जाना है। স্নোফল এতিয়া মানে বেছি ভালকৈ ফিল কৰিব পাৰিছোঁ স্নোফলটো, আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা আমি ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ নহয়। চাৰ্চু পাবলৈ আৰু 62 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু আভি দেখি স্নোফল হ' ৰা হ'য় আৰু ইতনা আচ্ছা লগ ৰা হ'য় মুঝে। আচ্ছা ইয়াত চাইড মে এক ৰিভাৰ ভি হ'য়, ৱো দেখনে মে অৰ ভি মজা আয়েগা। আভি ভাইয়া কো বোলতি হু দিখানে কে লিয়ে, তো মজা আ ৰা হ'য়। আভি ধূল ভি আয়েগা অৰ ভাইজাৰ্ছ বন্ধ কৰ লেনা। Hello sir, Aparajita. Yeah, I saw your beautiful name. Yeah, I saw your numbers and I was really impressed. You've driven down all the way from Assam. Ne kimma latra hoyse. Aro eblak maje maje panir rasta, madi rasta. Baraf ka se अलग लग रहा है, जैसे ब्रश कर दिया है ऐसा लग रहा है। एक मिनट में मैं आता हूँ। सिमोरा रोए जाए से, सिमोरा ब्रेक मारले मुंह दिखता है मुझे। আরামসে সিনেমাটা গলা গৈ থাকা।
अभी हम एक वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके आए, वाटर क्रॉस करके आए मतलब, तो आते आते ऐसे दिखाई दिया ये गाड़ी, देखिए कहाँ गिर गया है, उसका हालत क्या ही बोलो, क्या हो गया है, लोग बचा कि नहीं बचा वो भी नहीं मालूम, पर गाड़ी यहाँ छोड़ के और कोई उपाय नहीं है, हो गया। तो यहाँ थोड़ा रिस्की है, पहाड़ का टेक्सचर देखिए, जैसे कोई ब्रास करके दिया है ना, ऐसे लाइन जैसे ऐसे नीचे आ रहा है, पैरेलल बहुत सारे लाइंस एक साथ, जैसे कोई जानबूझकर ऐसे एक सारे बर्फ का एक ही टेक्सचर है। रास्ता तो मज़ेदार है, रोमांचक और रास्ता, वो देखिए अभी हम लोगों को रास्ते में ही मिल गया है बर्फ, बर्फीला पहाड़, पैर नहीं पहुँचेगा, पीछे नीचे रह गया मेरा पैर तो एक पैर नहीं लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पैर आराम से लग रहा है। तो अभी है लाचुंगला पास में, और साइड में देखिए बर्फीला पहाड़ में बर्फ है, ऐसे में पकड़ के ला सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है बर्फ की वजह से, यहाँ एक दो फोटो खींच लेते हैं फिर जाते हैं यहाँ। ये बर्फ कितना अच्छा लग रहा है, अभी ठंडे देश से हम गर्मी देश से देश में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ठंड से गर्मी तक अयो कहने गए इसे। ये है लाचुंगला पास और इसका एल्टीट्यूड है 16,616 फीट ऊंचाई पे। लाचुंगला से हम अभी निकल रहे हैं, देखना है आगे से कोई नहीं है, है तो नहीं, फिर हॉर्न बजा लिया और चला गया ऊपर। ये देखिए इन पहाड़ों में ऐसे साइकिलिंग कर कर के आ रहे हैं, अरे कैसे करते हैं यार ये लोग, विदेश से आए हैं, देखिए कितना नीचे जाना है हमें, फिर ऊपर जाना है ये, क्योंकि ये पास है लाचुंगला, ये डाउन बहुत स्टीप है, राइट से जाना पड़ेगा। अभी हम हैं विस्की नाला पे और ऊपर देखिए वो गाड़ी आ रहा है, ट्रक्स और ये बाइक साइड में, कि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। मो यार रोए पे लाई मैगी, हम चाय पियेंगे, ये बैठा है भैया, और ठंड बहुत है तो धूप भी बहुत ज़्यादा होता है, ठंड भी होता है, तो यहाँ मतलब ठंड से भी बचना होता है, धूप से भी बचना होता है। खाई लो पे आम यात्रा आरम्भ करूँ, सब कि मानू यार रही হুইস্কি নালা, এইটোর নাম তো জায়গাটোর নাম ঠাইখিনি হুইস্কি নালা, কেনে লাগিছে নামটো কক এবার। আর হুইস্কি নালা মে হাম লোগোনে ম্যাগি রাইস অমলেট খা কে থোড়া সা পেট পূজা করনে কে বাদ আগে যা রহে হ্যাঁ। নাকিলা পাস তো স্টার্ট হয়ে গয়া হ্যাঁ, উসকে ইসকে বাদ আচ্ছা হোগা, রাস্তা এসে বোল রহে হ্যাঁ দোকান কে লোক। পানি সোমালে ভৰিত। চাইডৰ ফালে কিবা পৰি যাম নহয়, ভয়টো লাগি গৈছে মোৰ। আৰু নো শ্বৰ্টকাট নাই, এইটো ওপৰৰ পৰা নামিবলৈ ভাল, তললৈ তলৰ পৰা উঠিবলৈ বেয়া, এইটো ব্রেকটো কারণে হল চাগে, এই এখানে ঢোল বালিত আগে যে ট্রাক গিয়া থা উসকা নাম নশিলি দার্লিং থা, নশিলি দার্লিং ইয়ে হ্যা রেঞ্জ রোভার। ইয়ে দেখিয়ে ট্রাক নিচে গিরা হ্যাঁ, তো ইয়ে বহুত খতরনাক জগা হ্যাঁ, লুডেড ট্রাক কা ইয়ে হতা হ্যাঁ কি দেখিয়ে कहाँ गिरा है आप आइडिया कर सकते हैं।
ठीक है फिर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से जाएंगे तो गिरेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। और ट्रक कहाँ कौन सी जगह से गिरा है आपको आइडिया कर सकते हैं। अभी वाटर क्रॉसिंग है, कितना नीचे गिरते खाई देखिए। तो ये बहुत अनोखा एक्सपीरियंस किया इस बार मैंने, डर भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि आराम से आ रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है। देखिए ट्रक को कितना मुश्किल हो रहा है, बहुत रिस्की है भैया, उधर जाओ। माजरे घुस जा आराम से, पारीम 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 आराम से पारीम, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। क्या हुआ इन लोगों का, सब लोग सो रहे हैं यहाँ। हिमालय का फील अभी आ रहा है, मतलब रास्ते से तो आ ही रहे हैं। ये देखिए हिमालय का फील आ रहा है कि नहीं, हिमालय का फील आ रहा है कि नहीं। देखिए कितना टेंशन होते हैं, ट्रक ड्राइवर भी बहुत खतरों से खेल के आ गए। सब जने इतना सकट हो से, ये तो भागते पड़े ना। आज कौन से रास्ते से आए हैं ये देखिए पता चल जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए पूरा धूल मतलब मड, मेरा पेड़ देखिए पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो ये नकीला पास हम गुजर आए हैं, तो ये एनएच3 हाईवे का जो हिमालय पर्वत से हम ऐसे जीग जाग करके हम जा रहे हैं ना, तो वो रास्ता खतरों से खाली नहीं है। हम आ रहे हैं टर्न पे, हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि पहले ही एक्सीडेंट हुआ हुआ, गिरा हुआ बस दिख रहा है, गिरा हुआ वो दिख रहा है, कार दिख रहा है, मतलब कुछ आते वक्त दिख ही रहा है ऐसा ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा सा डरावना है रास्ता, पर अच्छा है, मज़ा आ रहा है, मतलब चैलेंज होने से चैलेंजिंग होने से ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से आ रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गाटा लूप्स, और गाटा लूप्स का बहुत सारे स्टोरीज आप लोगों को सुनाई दिया होगा। यहाँ से बहुत सारे हेयर पिन बैंड है नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से गुजर के हमको जाना है। और आगे चलिए, आगे चल के पूरा स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। चलिए खाली है गाड़ी, खराब हो गया है शायद। गाटा लूप्स में गाड़ी ट्रक खाली होना ये भी एक कहानी का हिस्सा है इस जगह का। अभी मैं बताऊंगी इसका स्टोरी क्या है। बहुत साल पहले एक ट्रक आए थे यहाँ, यहाँ ऐसे रास्ता नहीं थे, बहुत ख़राब थे, तो ट्रक यहाँ ख़राब हो गया था। और ट्रक ड्राइवर और साथ में और एक थे, साथ में जो थे वो गया किसी को बुलाने के लिए, पर सर्दी बहुत था, दिन बहुत ख़राब थे, रास्ता बहुत ख़राब था, तो उसके लिए वेट कर करके यहाँ साथ में जो आए थे वो आदमी यहाँ ही देहांत हो गया उसका। तो बोला जाता है कि उसका स्पिरिट्स अभी भी यहाँ है, तो इसके वजह से वो भूख प्यास में मरे गए थे, तो इसके वजह से यहाँ लोग आके पानी डालते हैं, अभी भी उसका आवाज़ या उसका स्पिरिट्स लोग फील करते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। लोगों का बिलीफ है, जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको बिलीफ है कुछ चीज़ों का तो वहाँ पानी डालिए, पानी जो भी देना है दीजिए, पर प्लास्टिक वगैरह यहाँ लिटरिंग करना ये गलत बात है। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट था, तो हम भी यहाँ आके वो देखा कि क्या है चीज़ें कैसा है, तो
जैसे ये दिखाई दिया बॉटल्स तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया। इधर बंदा एक ना बंदा था, हाँ, गाड़ी के नीचे आ गया वो, इधर उसको उसका साथ लेके नहीं गया, इतनी घूमती है। तो लोग अलग बातें बोलते हैं, अलग स्टोरी बोलते हैं, पर यहाँ एक स्पिरिट्स घूमते हैं ये बोलते हैं लोग। 7 बज गया है अभी, चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। यहाँ देखिए जैकेट भी किसी ने डाल के गए हैं यहाँ। तब आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं। अब देखिए वो देखिए डियर कितना है। हो ऐसा है, खाना वाना मिला के 5% 1000 रुपये। आही पालुही में ब्लॉग करती हूँ थोड़ा सा। आही पालुही ये चर्चो पहुँच गए हैं और यहाँ हम रूम ढूंढ रहे हैं, होटल्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा वाला होटल ढूंढने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि परमानेंटली बनाने को नहीं देते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं देते हैं यहाँ। तो भैया पहले हम जहाँ देखे थे टेंट वहीं जाके देख रहे हैं। तो यहाँ जब मैं पहुँची तो एक आंटी को दिखाई दिया, वेस्ट बंगाल से आए हैं आंटी, हाय बोल दीजिए। तो क्या हुआ, आंटी हस्बैंड के साथ आए हैं, तो हस्बैंड का वो पैर में थोड़ा सा पेन है, तो आंटी लिफ्ट लेके आ गए हैं सरसों तक और अंकल भी आ रहे हैं। तो अभी वो अकेली है तो डर रहे हैं, तो हम मेरे भाई और चिन्मोय दादा दोनों रूम देखने के लिए वहाँ गए हैं। तो मैं आंटी के साथ वेट कर रही हूँ ताकि वो उनका हस्बैंड और उनके फ्रेंड जो हैं वो लोग पहुँच जाएं यहाँ आंटी के साथ। आंटी का नाम क्या है? मीता बनर्जी वेस्ट बंगाल से हैं। तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, तो अकेली है तो मैं यहीं रुक रही हूँ उसके साथ। मतलब आपको आप आ जाइए, हमको दिखाई दे देगा आपको। हाँ सर्चो में ही है हम। हाँ दिखा देंगे, ठीक है, चलिए ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है। तो आंटी टेंशन में पड़ गई थी क्योंकि बहुत देर हो गया था, तो अभी फोन किया तो उन लोगों के साथ ही पहुँच रहे हैं, सर्चो एरिया में आ गए हैं, इसलिए उन लोगों का कॉल लगा क्योंकि वहाँ से आगे कॉल नहीं जाता है। हाँ जुले 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 मतलब हेलो लद्दाख में जुले जुले बोलते हैं, जुले बोलते लद्दाख ले जुले जुले बोल के शर्मा के अंदर चले गए हम। तो मैं यही वेट कर रही हूँ, वो जब आएंगे आंटी के साथ जो भी है तो उसके बाद जाएंगे। अभी भाई लोग होटल पहुँच गए हैं, मैं यही वेट करती हूँ, जब आएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं, मतलब सेफ्टी का वो है, वो अभी अकेली है ना। चर्चो बहुत सुंदर सा जगह है पर आते आते रात हो गए है ना, है शायद है ना। ओके पहुँच गए हैं आंटी के साथ ही। आंटी टेंशन में आ गए थे। चलो थैंक यू, वेलकम। नहीं अभी मैं मेरे भैया को बुला लेती हूँ। चलिए आंटी बाय बाय फिर। हाँ बाय बाय। की कोले मनोजनी कोले ही की अजीब कहीं थे वो बुला रहे हैं आपके हस्बैंड और भोरी भी हंसे, रास्ता तो बहुत बेया कारने लिफ्ट दी सिले हस्बैंड तक वाइफ जनी है आज। ओ माने अकेले आ जा रहा हूं। मैं आ गई हूँ टेंट पे, आंटी को मैं मतलब छोड़ दिया उसके हस्बैंड के साथ, अभी मैं आ गई हूँ टेंट पे। अभी आज हम टेंट पे ही रुके हैं, ये देखिए टेंट कैसा है। और यहाँ ऐसे ही होते हैं, परमानेंट कुछ नहीं रहता है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन करने को ले नहीं देते हैं। और कल हम जा रहे हैं मनाली, तो अभी तक का जितना भी वीडियोस मैंने दिया है लद्दाख राइड का, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और
मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते जाइए। अभी के लिए मैं सो जाती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आज बहुत रफ रूड हो गया है, तो अभी के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।